Audio Jungle. पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ला और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के निर्देशन पर महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम अपनी टीम के साथ मोटरसाइकिल मार्च निकालकर जनता का विश्वास जीता है। थाना महाकाल के बल द्वारा थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम के मार्गदर्शन में मोटरसाइकिल मार्च थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर सिद्धि चौराहा, चार धाम जयसिंहपुरा, बेगमपुरा, इंदौर गेट, सतीपुरा, हरी फाटक, बेगमबाग, नलिया बाखल, तोपखाना, कोटवाला चौराहा, 24 खम्मा, कहारवाड़ी, हर सिद्धि, पाल बख्शी बाजार, कार्तिक चौक, गणगौर दरवाजा, दानी गेट, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार में मोटरसाइकिल मार्च किया। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर स्थित तीनों पेट्रोलियम पदार्थों के तेल डिपो के आसपास के इलाकों में आज जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक डॉ. श्रीपति मिश्रा के नेतृत्व में अवैध तेल कारोबार करने वाले के घर छापेमारी की गई है, जहां से हजारों लीटर मिलावटी व नकली डीजल पेट्रोल बरामद किया गया। वहीं इस कारोबार में लिप्त दो दर्जन महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जो इस कारोबार में लिप्त थे। आपको बताते चले कि बैतालपुर में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का तेल डिपो स्थापित है, जहां से करीब दो दर्जन जिलों में डीजल, पेट्रोल व कैरोसीन की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल में भी इसी तेल डिपो से डीजल, पेट्रोल व कैरोसीन की सप्लाई होती है। इस संबंध में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक डॉ. श्रीपति मिश्रा ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा बैतालपुर तेल के आसपास मिलावटी तेल की कारोबार करने की सूचना मिली, जिस पर आज पुलिस व प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में मिलावटी व चोरी कर बेचे जाने वाले डीजल व पेट्रोल मिला है। वहीं दो दर्जन लोग जो इस कारोबार में शामिल थे, वे भी गिरफ्तार किए गए, जिसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और ऑयल डिपो के बाहर जो टैंकर तेल लेकर के जाते हैं, वो निकलते ही कुछ तेल की मात्रा लोगों के साथ मिलकर के निकाल देते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाते हैं। इसकी शिकायत थी, पूर्व में भी एक बार ऑपरेशन इस पर हो चुका था। आज डीएम साहब की पूरी टीम, उनके पूरे राजस्व के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की, हमारे करीब दो दर्जन, जो डेढ़ दर्जन थाना अध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने एक व्यापक कार्रवाई सवेरे भोर में किया है, जिसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं और टैंकर से तेल निकालते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध IPC में और अन्य एक्ट्स में जो संगत नियम हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की का जो अपराध है, ये अपराध करने से लोग बच जाएं। विकासखंड रुधौली के ग्राम सिसवा में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम लता द्वारा सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की पिटाई करते हुए धमकी दी है, जिस पर कार्यकर्त्री की तहरीर पर पुलिस ने महेंद्र कुमार पुत्र गब्बू तथा इंद्रावती पत्नी गब्बू के खिलाफ 323, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ब्लॉक आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुसुम चौधरी के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। गिरफ्तारी की मांग करने वालों में विमला मौर्य, आरती देवी, सुनीता देवी सहित आदि कार्यकर्ती मौजूद रही। मैडम, आज यहाँ आप लोग किस नाते यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हम लोग यहाँ पूर्णता चौधरी के समस्याओं को लेकर यहाँ थाने पर एकत्रित हुए हैं कि उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन उनको पुलिस का यही काम है कि उनको पकड़ के यहाँ लाएं और दंड दिया जाए। यदि पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो आप सब क्या कर सकते हैं? अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग यहाँ धरना देंगे थाने पे। जी, कब तक का समय आप दे रहे हैं? जब तक उनको यहाँ लाएंगे नहीं, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के मठोद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ से सामने आया है, जहां पर एक सप्ताह पहले रेलवे के अंडरब्रिज की दीवार गिर गई थी और दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला था। अंडरब्रिज के रास्ते पर लगभग 20 गांव पड़ते हैं। अब उन ग्रामीणों का आवागमन पूर्ण रूप से एक सप्ताह से बंद है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने ट्रेन रोकने की चेतावनी दी थी,
जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लोगों को समझाते बुझाते रहे। रेलवे के अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पानी सूखने के बाद रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी एक दूसरा रास्ता मुकम्मल किया गया है जिससे लोग आ जा सकते हैं। साथ ही साथ अंडरब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की है। कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। ऑर्डर के बिना नहीं खुल सकता, ये कल एफिडेविट देंगे, वही तो आज ही कह रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये खुल जाएगा, ये निर्माण होता रहेगा वो खुल जाएगा। और ये 7 दिन के अंदर PWD और रेलवे तो जो गेट है उस वाला चकाचक अगर सड़क नहीं बना, हम लोग कल वहाँ खड़े होंगे, देखेंगे। PWD आपसे बात हो गई, SDM साहब से, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब। हसनपुर जिला अमरोहा के गांव शाहपुर कला में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम कुंवर पाल पुत्र बिसंबर की जमीन आबादी में 250 वर्ग मीटर पीड़ित व्यक्ति द्वारा बताई गई है। पीड़ित की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले व्यक्ति सतीश बबलू राजवीर पुत्र नन्हे तीनों भाई हैं। पीड़ित व्यक्ति इसकी शिकायत तहसील दिवस जिलाधिकारी महोदय मंगल दिवस हसनपुर में भी कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित व्यक्ति ने 5 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित व्यक्ति के बच्चे इस समय DM साहब हमें न्याय दो का बैनर लगाकर धरने पर बैठे हैं। पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि बिना आसवन के घर वापस नहीं जाएंगे। जनपद अमरोहा की मंडी धनोरा विधानसभा 39 में AIMIM पार्टी की 2022 विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एक बैठक हुई। नगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर अध्यक्ष मोहम्मद फैजल इदरीसी द्वारा जनाब मोहम्मद नजरे भाई गांव नोगामा तगा का ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर माननीय जिलाध्यक्ष नईम अहमद मंसूरी साहब, धनोरा विधानसभा अध्यक्ष फारूकी सैफी साहब, हसनपुर विधानसभा अध्यक्ष निजाम निस्तर साहब, नोगाम नगर अध्यक्ष वसीम अहमद साहब, नोगाम नगर सचिव साहब व आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का आगमन हुआ था। आगमन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं गोरखपुर चर्चा की विषय बनी रही संध्या निषाद को उन्होंने अपने हाथों से साइकिल प्रदान की और कहा कि बेटी मन लगा करके पढ़ो और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आगमन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह नाव लेकर गोरखपुर पहुंची थी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जूही सिंह ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जूही सिंह का मानना है कि गोरखपुर जिले में बारिश होने के बाद महानगर जलमग्न हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के नाते यहां पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए नाम लेकर आए हैं कि हर मोहल्ले में जल जमाव है। आप देख सकते हैं किस तरह से नाव में बैठकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने क्या कहा ये सुनाते हैं। मीडिया के बंधुओं ने लिखा था कि गोरखपुर में इतना पानी भरा है, यहाँ आना हो तो नाव को लेकर आए, तो नाव से हम आए हैं लखनऊ से, हम नाव से ही आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री का क्षेत्र बाढ़ आई हुई है और नाव चल रही है, सड़कें तो है नहीं। तो आपके अनुरोध पर, आपके दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी नाव से चल रही है। भयंकर समस्या है, कॉलोनियों में पहली बार पानी घुस गया है और विधायक के यहाँ पानी घुस गया है। शासन प्रशासन सरकार सब बेखबर है क्योंकि उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। पानी घुसने से, बाढ़ आने से सांसद कहाँ है, मुख्यमंत्री वर्चुअल कुछ कर रहे होंगे। तो इस तरह की प्रशासन से बहुत ही शिकायत है जनता को और हम आंदोलन करेंगे, कर रहे हैं। अभी आपने संध्या को देखिए, संध्या निषाद जी वो ऐसी कन्या है, ब्राइट कन्या है, जिनको नाव से अपने स्कूल जाना पड़ा इस बाढ़ में, और इस बाढ़ में अगर वो जा रही है तो समाजवादी पार्टी हमेशा बच्चियों और महिलाओं के साथ खड़ी है। उनका हम बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे मुझे आशा है, उन्होंने बताया कि वो रेलवे अफसर बनना चाहती है तो हम उसमें भी उनके साथ खड़े हैं। संध्या जी सबसे बड़ी बात रही इस बात की, सेल्फी ले रही है, फोटो खींचा रही है, क्या लगता है उसको धरातल पर मदद मिल पाएगी? अभी एक साइकिल दी गई है धरातल पे। संध्या को जो भी मदद चाहिए पढ़ाई लिखाई में या आगे बढ़ने के लिए, वो समाजवादी पार्टी, हम व्यक्तिगत और हमारी पूरी पार्टी जिम्मेदार यहाँ बैठी है, हम करेंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने भाजपा को सलाह दी बुलडोजर चुनाव चिन्ह रखने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है समाजवादी पार्टी मशीन गन अपना चुनाव चिन्ह कर ले। वही विधायक जो 200 से ज्यादा विधानसभा में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे थे ना भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऑडियो जंगल।
सीएम सिटी के विकासखंड पिपराइच अंतर्गत रम्मापुर में बने सामुदायिक शौचालय को हाईकोर्ट के आदेश पर गोरखपुर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार सदर व कानून को राहुल सिंह द्वारा लेखपाल उपेन्द्र कुमार अंकित रजक राम कुमार गुप्ता की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कराया ध्वस्तीकरण। नायब तहसीलदार ने बताया कि परती की भूमि पर अवैध तरीके से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था जो कि नियम के विरुद्ध था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। मौके पर पिपराइच थाने से उप निरीक्षक विकास मिश्रा, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र त्रिपाठी, प्रदीप कुशवाहा मौजूद रहे। हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, महंत या फिर प्रशासन? गंगनहर मुरादनगर के शनि मंदिर के महंत ने मचा रखी है जनता के साथ। गंगनहर पर मुकेश गोस्वामी के साथ ही जनता के साथ किस प्रकार नाव के नाम पर हो रही लूट। नाव में घुसाने के 100 रूपए पर व्यक्ति चार्ज करते हैं। मुकेश गोस्वामी ने जनता के साथ मचा रखी है लूट। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार मुकेश गोस्वामी का सेवादार जनता से उगाही कर रहा है। गंगनहर पर आए श्रद्धालु से जब बात की तो गंगनहर पर आए श्रद्धालु ने बताया, मेरे से एक व्यक्ति के नाव में घुमाने के 100 रूपए लिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन की तरफ से इस महंत को नाव चलाने किसी तरह की अनुमति दे रही है या फिर प्रशासन की मिलीभगत से यह नाव चलाई जा रही है। नाव पर बैठे श्रद्धालुओं के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार कर रही है किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार? हादसे का जिम्मेदार कौन, महंत या फिर सरकार? एटा पहुंचे मंडलायुक्त गौरव दयाल ने सकीट ब्लॉक के ग्राम हैदरपुर में बारात घर व सीसी कार्य का किया लोकार्पण। सकीट ब्लॉक के गांव हैदरपुर में रामगोपाल दीक्षित द्वारा कराए जा रहे निजी धनराशि से निर्मित कार्यों का मंडला आयुक्त ने किया लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान डीएम अंकित अग्रवाल व एसएसपी उदय शंकर सिंह और सीडीओ एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री रहे मौजूद। यहाँ गाँव में आप आए हो, यहाँ बताया गया कि अपने ही धरती पे जो यहाँ के प्रभुत्व हैं, जो प्रतिष्ठित हैं। देखिए, रामगोपाल दीक्षित जी हैं, हैदरपुर गांव के रहने वाले हैं और इनका व्यवसाय नोएडा में है। इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन पूरे गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने विकसित किया है, सीसी रोड का निर्माण, बारात घर का निर्माण, इस तरह के कई काम आपने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से कराए हैं और उसी को आज हम लोग देखने के लिए आए थे। हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतना अपने गाँव के लिए इतना कुछ कर सकता है। तो बहुत ही सराहनीय है और हम लोग इनक्रेज करेंगे और भी लोग आगे बढ़ के आएँ, अपने गाँव को, अपने शहरों को, अपने मोहल्ले को हर व्यक्ति सुधारने का प्रयास करेगा तो जो सरकार का काम है बहुत आसान हो जाता है। और हमने ये भी कहा है कि सरकारी योजनाओं में जो भी आच्छादन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उस गाँव में, उसको भी सरकारी तरफ उसको कराने का पूरा प्रयास करें। अयोध्या ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग कार्य समिति का आज दूसरा दिन। भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक का आज सीएम करेंगे समापन। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 बजे पहुंचेंगे अवध विश्वविद्यालय। कार्यक्रम के समापन के पूर्व रामलला का दर्शन करेंगे सीएम योगी। अयोध्या रामलला का दर्शन कर सीएम योगी वाराणसी के लिए होंगे रवाना। अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में चल रही है कार्य समिति की बैठक। खेत से चारा काटने के विवाद में महिला की हत्या, पति गंभीर रूप से घायल। घायल लाखन सिंह ने दबंग वीरेंद्र सिंह के खेत से जानवरों के लिए घास काट ली थी, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह ने लाखन सिंह को देख लेने की दी थी धमकी। इसके बाद देर रात्रि वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ गांव से दूर पड़ी लाखन सिंह की झोपड़ी पर हमला बोल दिया। झोपड़ी में लाखन सिंह और उनकी पत्नी लज्जावती लेटी हुई थी। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से हमला कर दंपत्ति के साथ की जमकर मारपीट। दबंगों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई लज्जावती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावर दोनों को मरा समझकर मौके से फरार हो गए। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव गुलबाज नगर में लाखन सिंह जाटव ने वीरेंद्र जाटव के खेत से घास काट ली थी। इस पर उसका वीरेंद्र से विवाद हो गया। उस समय वीरेंद्र ने लाखन सिंह को देख लेने की धमकी दी। देर रात जब लाखन सिंह व उनकी पत्नी लज्जावती खेत में पड़ी झोपड़ी में थे, तभी वीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ उनके ऊपर झोपड़ी पर हमला बोल दिया। हमलावरों के भाग जाने पर गंभीर रूप से घायल लाखन सिंह किसी तरह पुत्र अनिल के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लाखन सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया, जहां लाखन सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुत्र जयदेव, मकरंद, सुनील व अनिल तथा पुत्री संगीता पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कायमगंज संजय मिश्रा, समय सीओ कायमगंज सोहराब आलम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में की जांच पड़ताल।
मामले पर सीईओ कायमगंज सोहराब आलम ने बताया कि घास काटने को लेकर एक दिन पूर्व हुआ था विवाद, जिसमें दबंगों ने वृद्ध दंपत्ति के ऊपर देर रात्रि प्राणघातक हमला बोल दिया, जिसमें लज्जावती की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अखन सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका के पुत्र अनिल की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। जिला अस्पताल लोहिया में ऑक्सीजन प्लांट का डीएम मानवेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जिला अस्पताल लोहिया के पीडियाट्रिक इंसेंटिव यूनिट केयर पीकू वार्ड का किया निरीक्षण। वार्ड में प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई चालू कराकर जिलाधिकारी ने देखा। निरीक्षण में भर्ती बच्चों के परिजनों से इलाज के संबंध में ली जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन कर रहा तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से जिले में कई लोगों को गंवानी पड़ी थी अपनी जान। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन के लिए होगी सहूलियत। निरीक्षण के दौरान सीडीओ एम अरुण्य मोली, सीएमओ डॉक्टर सतीश चंद्रा रहे मौजूद। शहर क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जिला अस्पताल का मामला, सर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, लोहिया का निरीक्षण किया है, कैसी क्या? देखिए आज पीएम केयर फंड की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जो कि हमारे 120 बेड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करें, उसका आज उद्घाटन किया गया है और हमारा प्लांट काम करने लगा है। अभी हम लोगों ने जो 20 बेड हमने तैयार किए हैं बच्चों के लिए, उसका भी खोल दिया है, तो प्लांट हमारा सही ढंग से काम करने लगा है। निकट भविष्य में कोई बीमारी की बात आती है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने को। पीकू वार्ड 40 बेड का है, 20 बेड में अभी सप्लाई चालू हुई है, 20 बेड का है और 100 बेड का हमारा दूसरा। सर पीकू वार्ड में दो डॉक्टर साहब कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, देखें दिखवाएंगे। सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन व सामाजिक न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राजपाल कश्यप। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। सपा पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय यात्रा को किया संबोधित। राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजपाल कश्यप का बयान, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के दामाद है मुसलमान। समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा नहीं रुकेगी जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकाल देंगे। भाजपा से भगवान राम नाराज हैं, गांव गली से राम के नाम पर चंदा लिया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि खेत खेत में चल रहे सांडों का नाम भी लोगों ने रखा है। फरुखाबाद के मुरहास कन्हैया स्थित कोल्ड स्टोरेज में किया सभा को संबोधित। कल दिनांक 15/9/2021 को समय लगभग 11:30 बजे रात्रि को थाना कैमगंज को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुलबाज नगर में लज्जा देवी और लखन सिंह, जो कि लगभग 65 वर्षीय वृद्ध हैं, इन पर प्राणघातक हमला हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कायमगंज और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लज्जा देवी मृत अवस्था में मिली, लखन सिंह गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तत्काल CHC कायमगंज रेफर किया गया। लखन सिंह से पूछताछ व उनके परिजनों से पूछताछ में यह संज्ञान में आया कि एक दिन पहले घास काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, अर्पित, सोनू व अमित कुमार, ये उन्हीं गांव के रहने वाले हैं, इन सब ने इन पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें लज्जा देवी की मृत्यु हो गई और लखन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। लखन सिंह के पुत्र अनिल कुमार की तहरीर पर धारा 147, 148, 307, 302 IPC में पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है। कौशाम्बी सिराथू तहसील क्षेत्र के सोरई बुजुर्ग गांव बाजार से राम जानकी मंदिर एवं मस्जिद को जाने वाले मार्ग में जल निकासी की विकराल समस्या है। गांव की हालत इतनी खराब है कि बार बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी नाली व तालाब की सफाई नहीं हो सकी है। आरोप है कि बारिश के चलते महीनों बीत गए, फिर भी गांव में तैनात सफाईकर्मी शिकायत के बाद भी गांव नहीं आता है और उसे बिना काम के वेतन दिया जा रहा है। सफाई करने की लापरवाही के चलते नाली पूरी तरह से दूषित जलमग्न है, जिससे गांव के निचले जगह में जल भराव हो जाता है और ग्रामीणों के कच्चे घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, जिससे मकान गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्षों से गांव में बने तालाब की सफाई न होने से गांव की नाली में मिट्टी से घास जमी हुई है, साथ ही पानी का जल जमाव बना रहता है। नाली का पानी रोड और गलियों में बह रहा है। जिम्मेदार की अनदेखी के चलते सफाईकर्मी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे राहगीरों को धार्मिक स्थलों तक पहुंचना दूभर
दूभर रहता है। गांव में बने तालाब के पानी का निकासी न होने के कारण तालाब लबालब है, जिससे नालियां चौक लेने लगती है। वहीं साफ सफाई न कराए जाने और बरसात का पानी गलियों ग्रामीणों के घरों में घुसने से गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता दिखाई दे रहा। वहीं दूषित जल जमाव में राहगीरों के छोटे छोटे बच्चे आने जाने को मजबूर हैं, जिससे संक्रमण जैसी बीमारी से अछूते नहीं हो सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ध्यान उत्कृष्ट करने को कहा। ये सौराई बुजुर्ग में करीब एक महीने से ये रोड पे पानी भरा हुआ है। ये बहुत गंदा पानी है, जिससे काफ़ी कीटाणु और मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे लोगों को बीमारियां हो रही हैं। मगर यहाँ के प्रधान जो हैं, जो कार्यालय हैं, करने वाले सफाई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे मस्जिद है, साइड आगे मंदिर है और साइड में मस्जिद है, लोगों को आने में दिक्कत जा रही है। घर वाले हैं जिनको दिक्कत जा रही, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम सब बहुत परेशानी में हैं, बाकी कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। इसके लिए मेहरबानी करके कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम लोग को थोड़ा आसानी हो। बाकी जो राह चलने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पैदल चलने वाले, इससे पैर सड़ जा रहे हैं, बदबू आ रही है, काफ़ी प्रदूषण फैली हुई है, हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। कौन गाँव? सौराई।